हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। इन टुडेज न्यूज़पेपर सेशन वी विल बी डीलिंग विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑफ 30th सितंबर 2024। सो द फर्स्ट आर्टिकल हियर इज रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना, और परहैप्स रिगार्डिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस इज सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सो 1949 to 2024। सो दिस इज द थर्ड प्लेनरी सेशन ऑफ द 20th सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, द सीपीसी। तो इट विल डीपन रिफॉर्म्स एंड रेजोल्यूशन एंड एडवांस चाइनीज मॉडर्नाइजेशन। तो ओवरऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द गोल्स दे हैव बीन चेंजिंग नाउ। मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस को इन्हांस करना इन टर्म्स ऑफ फिस्कल, टैक्स, फाइनेंशियल एंड अदर मेजर सेक्टर्स, एंड इन्हांसिंग द रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन। तो ऑलरेडी वी हैव बीन सीइंग द अमाउंट ऑफ डोमिनेंस और द मोनोपोली, ऑल्सो वी कैन टर्म, दैट चाइना इज हैविंग मेजरली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट इंडिया गेटिंग इंटीग्रेटेड विद चाइना इन इट्स सप्लाई चेन सो एज टू इन्हांस इट्स प्रोडक्टिविटी। फर्दर वेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया कोलैबोरेशन, तो जो मॉडर्नाइजेशन है, इट इज अ शेयर्ड गोल फॉर चाइना एंड इंडिया। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विल एडवांस बोथ नेशंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। तो पंचशील फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पे बात कर सकते हैं, विच रेफर्स टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। एंड फर्दर वी कैन टॉक अबाउट डी रिस्किंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, वेयर वी सी द सिचुएशन दैट इंडिया फेसेस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, एंड करेंटली इट सेल्फ इन 2020-24 जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ चाइना टू इंडिया दे एक्सीडेड इवन 100 बिलियन डॉलर मार्क। तो इसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट टू डी रिस्क एंड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन फोकस अपॉन इन्हांसिंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग बी इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर्स। तो बोथ आर मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड आर एट अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड रिजुविनेशन। तो चाइना का गोल क्या है? टू बिकम अ ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, एंड इंडिया हैज अ विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो जो कंसेंसस है रीच्ड बाय द लीडर्स ऑफ द कंट्री, उसमें गाइडेंस जॉइंटली सीक करना द नेबरिंग मेजर कंट्रीज टू लिव इन पीस, एज आई मेंशन पंचशील फॉरेन पॉलिसी। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट डिसआर्ममेंट, कैसे इट शुड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ पीस मेकिंग, फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमी एंड पीपल्स लाइवलीहुड एंड अपहोल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड ग्लोबल साउथ में इंडिया एंड चाइना दे कैन प्ले अ रोल टूगेदर। तो जो वेस्टर्न डोमिनेंस है या फिर यूरोसेंट्रिक आइडिया दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग एंड नाउ शिफ्टेड टूवर्ड्स द होल ऑफ वेस्ट, तो उसको भी कर्ब करना इज एसेंशियल। नेक्स्ट, अ राइस वैरायटी टू कर्ब फार्म फायर्स। तो जब हम फार्म फायर्स की बात करते हैं, तो उसमें कैसे एक राइस वैरायटी इट कैन हेल्प,
सोसाइटी की जब यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज पूसा 44 एंड पूसा 2090 यील्ड्स नियरली एज मच एज पूसा 44. दीज आर द टू वेराइटीज ऑफ पैडी बट इट कैन बी हार्वेस्टेड बाय अर्ली टू मिड अक्टूबर, जिससे कि जो स्टबल बर्निंग की नीड है दैट कैन बी प्रिवेंटेड हियर. तो जब हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग की, मेजर इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, तो दैट इज एयर पोल्यूशन इन द रीजन ऑफ दिल्ली. तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है ये. इट रिलीज फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन इन 1993. पूसा 44 टेक्स 155 to 160 डेज टू ग्रो. पूरे टाइम में हाई ईगल्स होती हैं मोर देन 30 to 32 क्विंटल्स पर एकड़. तो अगेन ईगल्स ज्यादा है ऑल्दो इट टेक्स अ बिट मोर टाइम बट स्टिल इट्स ईल्ड इज मच बेटर हियर. तो स्टबल बर्निंग की नीड इट कैन रिड्यूस बिकॉज स्टबल बर्निंग इट हैज टू बी डन बिकॉज द नेक्स्ट सीजन आता है दैट इज ऑफ व्हीट, द सोइंग ऑफ व्हीट, जिसके लिए क्लियरिंग ऑफ लैंड इज एसेंशियल. तो अ वेरिएबल रिप्लेसमेंट, तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज ब्रेड ए न्यू इम्प्रूव्ड शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटी दैट इज पूसा 2090. तो कैसे हुआ ये, वर्क एट इंट्रोड्यूसिंग जीन्स. तो जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो करंटली सिर्फ जो बीटी कॉटन है दैट इज बीइंग यूज्ड, दैट इज अप्रूव्ड बाय द जीईएसी, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स अप्रूवल कमिटी. तो इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम जपोनिका, तो ये एक राइस सब स्पीशीज है ऑफ ईस्ट एशिया टू द इंडिका वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स फॉर इम्प्रूविंग ईल्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस. तो हेयर वी कैन डिस्कस अबाउट कि कैसे जो क्लाइमेटिक रेजिलियंट ईल्ड्स है दे आर इम्पोर्टेंट. हाई यील्डिंग वेराइटीज दे बिकम क्रूशल हेयर एंड ऑल्सो अर्ली ईल्डिंग, कि कैसे ये जो टाइम है उससे पहले ही दे बिकम मच्योर एंड देन दे कैन बी हार्वेस्टेड. तो गिवन द लोअर ईल्ड पेनल्टी एंड ड्यूरेशन फार्मर्स मे फाइंड इट वायबल टू कल्टिवेट इट. तो इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल टू द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एज वेल. सो वी कैन रिमेम्बर हियर पूसा 44 एंड पूसा 2090. जब हम स्टबल बर्निंग की बात करते हैं तो अदर वेज दैट वी डिस्कस वर रिगार्डिंग दैट मे बी प्रोवाइडिंग आउट द मशीन एट मच मोर सब्सिडीज और एट चीपर रेट्स दैट फार्मर्स दे कैन बाय देम. सेकेंड कैन बी एंड देन फर्दर द सेलिंग ऑफ द स्टबल एट अ पर्टिकुलर प्राइस टू द फैक्ट्रीज एटसेट्रा, मे बी फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स एटसेट्रा और अदर मेजर रीजन्स. फर्दर वी ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द यूज ऑफ बायो डिकम्पोजर्स दैट कैन ऑल वेन स्प्रेड ऑन द हार्वेस्ट वेन स्प्रेड ऑन द स्टबल दे कैन ऑल्सो डिकम्पोज द स्टबल एट फास्टर रेट्स. दीज आर सम ऑफ द मेजर वेज. तो कैडेवर डोनेशंस नीड रूल्स एंड चैलेंजेस. तो सीपीआई लीडर सीताराम येचुरी हु डाइड ऑन सितंबर 12 डोनेटेड हिज बॉडी टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. तो कैडेवर्स होते क्या है, कैडेवर डोनेशन इज अ पर्सन डोनेट देयर एंटायर बॉडी रादर देन द इंडिविजुअल ऑर्गन्स टू साइंस आफ्टर डेथ. तो ये डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में दे कैन हेल्प बाय द हेल्पिंग देम बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड प्रैक्टिस सर्जरी. तो कैडेवर्स दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग न्यू मेडिकल डिवाइसेस
एंड स्टडीइंग द फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिजीजेस. तो देर इज नो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक होल बॉडी डोनेशन अनलाइक द ऑर्गन डोनेशन. जैसे वी हैव नोटो एट द नेशनल लेवल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सोटो इज एट स्टेट लेवल. तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में द इंडिविजुअल हैज टू गो एंड अपील फॉर इट. तो हियर वी हैव स्टेट्स एनाटोमी एक्ट. मेडिकल कॉलेजेस दे आर फोर्स टू यूज अनक्लेम्ड डेड बॉडीज एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर स्टेट्स एनाटोमी एक्ट. तो एथिकल इशूज आर हियर सिंस मोर्स अनक्लेम्ड बॉडी आर दोज ऑफ पुअर डेस्टिट्यूट एंड अदर मार्जिनलाइज पीपल. तो वॉर इज ओनली अ कावर्डली एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ पीस. थॉमस मन. सो हियर वी कैन टॉक अबाउट कि इवन व्हेन पीस एग्जिस्ट्स तो उस टाइम पे व्हाट आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड. यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बायलेटरल अग्रीमेंट्स की, दैट इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया. फिर फर्दर पीस के रेफरेंस में वी कैन डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पीस फॉर इंडिविजुअल्स. इज इट द स्टेबिलिटी और द क्लैरिटी ऑफ माइंड? इज दैट पीस? इज दैट सेटिस्फैक्शन दैट इज पीस? और वॉर अगेन, यहाँ पे हम कंफ्लिक्ट की बात कर सकते हैं. इट माइट बी बिटवीन टू आइडियाज इन अ पर्सन माइंड, इट माइट बी बिटवीन टू कम्युनिटीज, और इट इवन माइट बी बिटवीन टू मेजर वर्ल्ड पावर्स, और इवन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज फॉर दैट मैटर. जैसे वेन यू टॉक अबाउट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो इट इज अ कावर्डली एस्केप. तो कावर्डली एस्केप को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, जैसे हम जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं एटसेट्रा, एंड पीस मेकिंग कन्वेंशंस. ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर वी कैन फोकस अपॉन बाय द यूज ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन जुडिशरी फॉर दैट मैटर इन इंडिया. जैसे वेन एवर देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, तो दे विजिट कोर्ट. फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो व्हाट ऑल आर दी फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कैसे हम इसको मेजर करते हैं एंड क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? सो मेजरली व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी एटसेट्रा, तो दीज आर ऑल्सो वेज ऑफ इनहेंसिंग कैलकुलेटिंग द स्टेटस ऑफ अ कंट्री, बट दे आर मोर ऑफ इकोनॉमिक वेज. बट व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट द क्वालिटी और द लिवेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, तो तब वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रोल आ जाता है. तो ऑल ग्लोबल रैंकिंग्स आर नॉट इक्विवेलेंट. सम लाइक द HDI आर वेल थॉट एंड केयरफुली कंस्ट्रक्टेड. तो चैलेंजेस हैं एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने में, अदर्स सीम टू हैस्टिली पुट टुगेदर. सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
So they are well thought out and carefully constructed, although कुछ challenges in getting accurate country level data. बाकी जो है others seem to be hastily put together, often excluding the perspectives from the global south. For example, now abandoned World Bank Ease of Doing Business Index. It focused on limited liability companies, covering only 14% of the Indian businesses and excluding sole proprietorships, the mainstay of Indian business. So again, covering the a whole all the categories of businesses and all the categories is crucial while calculating the Human Development Index. एंड एस डी आई की बात करते हैं तो मेजरली क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. फर्स्ट इज रिगार्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड एजुकेशन से रिलेटेड, एंड थर्ड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट द इंडिविजुअल हैज, फिर दैट दी ऑल द पीपल दे हैव. तो इंडियाज एस डी आई रैंक एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, तो जो ग्लोबल रैंकिंग है 2022 में, तो इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191. और एस डी आई वैल्यू कितनी थी? 0.63. तो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट अगेन हेल्थ सेक्टर में, जैसे मेल न्यूट्रिशन, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है करेंटली, और कम्युनिकेबल डिजीजेस. फर्दर एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट रेट्स है उनको रिड्यूस करना, एंड इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लस स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. फर्दर इनकम और जेंडर इनइक्वालिटी, दे आर ऑल्सो सम ऑफ द एरियाज. अदर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, एंड देन वी हैव ग्लोबल गो टू थिंक टैंक्स रैंकिंग्स. फर्दर So the हैप्पीनेस कंट्री, theme of the article is that we are having different indexes when it comes to measuring the human resource or the development, as far as we can talk about like quality of life or human development in a wholesome manner. So here different examples are given, like these indexes: Global Competitive Index, Global Happiness Index, Hunger Index, Ease of Doing Business Index. So how these indexes, they are more effective in terms of measuring their, again, respective domains is one of the question. So the article is stating that we need to reform the methodology because few of these indexes which are calculated are not depicting the ground situation. And also we see certain biasness when it comes to the differences between, again, developed countries and developing countries. How much suitable are these indexes to the developing countries' growth? So another thing is that the reforms that we're talking about, we need to question why we are sticking to only these or the selected few indicators when it comes to calculating these indexes. Another would be, again, that the index needs to be suitable to all types of nations, all types or all nature of growth when it comes to developing countries and the developed countries, because the situation is completely different in both these types of nations. And apart from this, it is also stating like governments, they must stop taking the results seriously. We need to prioritize. Again, this is the case with India as well, that we often state that we are not completely relying upon what are the results of these indexes, because the ground situation, or again, the social conditions, economic conditions are very different from those in the countries where these indexes are better suited. Further, when we talk about logistics, supply chain infrastructure are backbone of e-commerce boom, that is key. तो अगेन जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो करेंटली इट इज अराउंड 16 to 14% जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, एंड इसको रिड्यूस करने की बात हो रही है टू अराउंड 8 to 9% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज अगेन दैट विल इनहेंस द अगेन ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस. तो इंडिया स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
with a burgeoning middle class, increasing disposable incomes and young population. तो जो ये प्रोजेक्शन है इंडिकेट कर रहे हैं लीप टू एन इम्प्रेसिव $2 ट्रिलियन बाय 2033 फ्रॉम $820 बिलियन इन 2023. तो ई कॉमर्स हैज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन. तो सीमलेस मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉजिस्टिक्स एंड द सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट हिंजेस ऑन द एबिलिटी टू मैनेज एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो करेंटली अकाउंट फॉर हेफ्टी 11 to 14% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो ग्लोबल एवरेज है इज अराउंड 8% एज आई जस्ट नाउ मेंशन्ड. फर्दर कुछ प्लान्स की बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की. तो मेजर इज द गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान. तो अगेन स्किल्ड वर्कफोर्स की भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है विच इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज. तो इट कैन ड्राइव द सेक्टर फॉरवर्ड. पार्टनरशिप्स विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री बॉडीज कैन फैसिलिटेट द स्किल डेवलपमेंट. तो मोर ओवर द पॉलिसी एनविसेजेस द डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे अगेन यूनिफिकेशन की हमें बात करें सो दैट इट बिकम्स इजियर बेटर टू ट्रैक के डेटा ड्रिवन डिसीजंस कैन ऑल्सो बी टेकन प्लेस जिससे. तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स एंड कैसे इट कैन क्रिएट अ पूल ऑफ स्किल्ड लेबर दैट कैन ड्राइव द सेक्टर फॉरवर्ड. Also, the like talking about the Germany's model. So Germany's model has been seen to be more efficient and more reliable, even in terms of when we are talking about, for example, infrastructure creation or infrastructure investment, capital investment. So that needs to be again in the form of green investments, how we are sustainably promoting investments in an eco-friendly manner. So the German model, it symbolizes seamless integration of various transportation modes. So, talking about multimodal connectivity. So, in India, also, like we are having investments regarding dedicated freight corridors. Then we have the Sagarmala project. So, we can talk about rail to road connectivity. And then we are also talking about blue economy or talking about green shipping. And apart from this, for example, when it comes to the airways, so in that case, for example, we have Udaan scheme or we have dedicated scheme, for example, the agriculture sector also. So it needs to be integrated in a diverse manner. So we can say that we can go ahead with the cluster-based approach so as to reduce the logistics cost in an overall sense and manner. So here we can say that one is the supply chain infrastructure. Secondly, we can talk about the fuel because India is right now again 80 to 90% dependent upon crude oil imports. So here we are talking about having the option available when it comes to the sustainable alternate fuels. So biofuels, we have again fuel cell run vehicles, or we have electric vehicles. So these are different areas which we're still exploring. The green hydrogen is another one. फर्दर मिल्क फैट इज ऑलरेडी कॉस्टली. टैक्सिंग इट हायर मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू अडल्ट्रेशन. तो काऊ घी की जब हम बात करते हैं एंड ऑल्सो अनलॉक द रियल वैल्यू ऑफ मिल्क फैट. तो अभी करेंटली अडल्ट्रेटेड घी था फॉर मेकिंग आइकॉनिक तिरुपति लड्डूज. दिस इज रिगार्डिंग दैट. तो जो मिल्क फैट है वो इनहेरेंटली एक्सपेंसिव है. करंट एक्स डेयरी प्राइस क्या है? ₹460 to 470 पर केजी इज वे अबव द 125 to 130 होलसेल रेंज फॉर द रिफाइंड पाल्म ऑयल सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल. और जो बीफ टैलो है इट इज अवेलेबल इवन चीपर एट ₹85 to 90 केजी.
तो इसीलिए इट इज प्रोन टू अडल्ट्रेशन बाय फॉरेन फैट्स ऑफ बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन. So even in like when you're talking about the GI tag products or one district one program products specifically related to food and food processing industry, so we need to promote again the locally available options so that again it can boost even when it comes to the growth in agriculture and allied sector. So backward and forward linkages, they can be better integrated. So the government, they can help by cutting the GST on ghee, butter, other milk fat, जो करंट है 12% उससे. तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन इज द Again, गिवन. this is a long-term reform, so it will take time. So, as far as short-term solutions are concerned, again, relying on locally available options. And with that, we can also, like, we'll be able to reduce the cost factor also. For the food that doesn't feed, to lowering post-harvest losses and food waste is not just a matter of improving economic efficiency, but also providing nutrition, eliminating hunger, and saving the environment. तो जब हम पॉवर्टी और हंगर जैसे डिजास्टर्स की बात करते हैं, विच इंडिविजुअल्स आर वेरी प्रोन टू, स्पेशली द पुअर वंस, तो उनके लिए दिस अगेन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि कैसे जो फूड कंजर्वेशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इट दैट सिस्टम मस्ट बी मेड मोर एफिशिएंट. एंड व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, तो इसमें चैलेंज इसलिए है बिकॉज जो स्टेट्स है दे आर नॉट कनेक्टेड वेरी वेल. एक जो कोई भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा विच कैन क्रिएट एंड रेगुलेट द डेटा ऑफ क्रॉप्स एंड द फूड प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, जिससे कि इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड टू द स्टेट्स जहाँ पे इनकी अनअवेलेबिलिटी है या जहाँ पर दे आर अवेलेबल एट हायर कॉस्ट. फर्दर अगर हम फूड वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेजेस की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे प्रॉपर वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर, वेयर हाउसेस क्रिएट करना, दैट इज एसेंशियल हेयर. एंड कोल्ड स्टोरेजेस स्पेशली फॉर द पेरिशेबल गुड्स, तो दे आर बिकम इम्पोर्टेंट हेयर. तो फूड लॉस एंड वेस्ट, अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने में भी दे विल हेल्प. तो इंडिया का जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस सर्वे है बाय नैपकॉन्स 2022, वो रिवील करता है दैट द कंट्री सफर स्टैगरिंग फूड लॉसेस वर्थ ₹1.53 ट्रिलियन विद अ लॉस ऑफ 12.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ सीरियल्स एंड 2.11 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल सीड्स एंड 1.37 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पल्सेस और नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. क्यों? क्योंकि पुअर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है. एंड ऑल्सो इस इनअवेलेबिलिटी की वजह से समटाइम्स वी ऑल्सो सी के द फार्मर्स दे हैव टू सेल द प्रोड्यूस एट लोअर प्राइसेस इटसेल्फ सो एज टू प्रिवेंट द वेस्टेज, अदरवाइज दे विल फेस द लॉसेस. तो बताते हैं कि ओनली 4.4% ऑफ द कल्टीवेटर हाउस होल्ड इन इंडिया दे ओन ट्रैक्टर्स एंड मेनली 5.3% ओन आइदर पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर्स. तो यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो इसके लिए बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड विच कैन हेल्प देम ट्रांसपोर्ट दी फूड ग्रेन्स. और अगेन अदर अदर वेज आर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द पेरिशेबल
पेरिसेबल, जैसे कि सोलर ड्रायर्स एंड डिहाइड्रेटर्स, दे कैन बी यूज फर्दर. यहाँ पे हम एफएमसीजी में जब हम फूड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उनके रोल की भी बात आ सकती है कि कैसे दे कैन हेल्प इन यूटिलाइजिंग द फूड प्रोडक्ट सो एज टू क्रिएट अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. So again, here also we can say that seamless integration of agricultural supply chain, strengthening forward and backward linkages. Because if farmers would be having the option to firstly sell in diverse markets, or they would be having more options. For example, we have the government e-marketplace where we are seeing increased participation of the farmers, and then they are also benefiting in the sense that they do not have to unwillingly sell at lower prices. So another benefit is that even they are getting fair prices, because the prices are market determined. It is on the basis of demand and supply. And this would help in, we can say, economic strengthening of the farmers. And this would also help simultaneously in reducing the debt problem of the farmers. And as it is mentioned here, FPOs or custom hiring centers, they can also play a crucial role. When it comes to mechanization of farming practices, so providing or making available the machines, which are very costly, because again, farmers are already, they are trapped in the vicious cycle of debt, so they cannot buy or they cannot even pay the rent for such machines. So in order to again increase productivity also, so productivity, and along with that, how the even simply production is also getting impacted because of the climate change risk. Imagine if you can highlight the key points here, please. So one election is a win-win. We're talking about simultaneous elections. So frequent polls have led to voter fatigue. This is again a point which is supporting the implementation of simultaneous election, because we see in India that at every point of time, some states they are going for elections. So that is why the term has been used, voter fatigue, financial burden on the government. But again, if this is one of the points, then there is another challenge when it comes to implementation of simultaneous polls, that we require huge amount of expenditure. So how that would be catered if still we are already facing this challenge of financial burden on the government? And then uncertain policy environment, because when the model code of conduct is in force, we cannot announce new policies, we cannot announce big reforms or structural changes. So that is why uncertain policy environment, this would be, we'll be able to solve this thing when it comes to simultaneous elections. Apart from this, we have the logistical challenges also in ensuring this. Then there are concerns related to whether this is again a self-driven reform by India, or it is again driven because of the Western world somewhere it is, or we are having again this clue from the external sources or external factors. This is one aspect. Another thing is that how it will be impacting the federal system in India. For example, if we'll be having the elections at the same time at the center and at the states also, so the competitiveness factor would somewhere get reduced. And it was also stated that the accountability would also be somewhere diluted. So how it is going to strengthen the India's democratic model is, or the aspect. And then again, current another issue is the electoral system is a voter turnout. So ensuring that again voter turnout, strengthening it or increasing it is one of the things, but how an aware voter would be generated out of this system is another aspect that is much more crucial. So we are having such systems in other countries, but again the comparison is India is having huge amount of diversity. We are, again, our land size is also comparatively very big when it comes to even like we're comparing Philippines. So it cannot be like can't be done or it can't be possible when it comes to comparing. So we have another type of challenges, so we need to look into that.
Next, an environment friendly puja pandal is being readied using a variety of plants and bamboo ahead of Durga Puja festival at Lalla Bagan Nabankur in Kolkata. तो ग्रीन गॉडेस, तो यू कैन सी कि कैसे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंटरवेंशन है दे आर हैपनिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स है, बीट फेस्टिवल्स का बीट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन क्रैकर्स और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द गणेश चतुर्थी, तो उसमें भी ऐसी आइडल्स क्रिएट करना विच आर मोर ऑफ इको फ्रेंडली रादर देन यूजिंग द पीओपी आइडल्स. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एग्जाम्पल्स हियर. नेक्स्ट, 92% ऑफ वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवर सेप्टिक टैंक्स दे बिलोंग टू SC ST OBC ग्रुप्स फाइंड सर्वे. तो 92% ऑफ दीज वर्कर्स एंड मोस्ट ऑफ देम 70% आर स्केड्यूल्ड कास्ट. तो ऐसा क्यों है इफ यू टॉक अबाउट इट? तो एक तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ऑल टाइम प्रैक्टिस ऑफ दिस कास्टिज्म, या फिर वेन वी टॉक अबाउट द अनटचेबिलिटी, उसकी वजह से. सेकेंड इज रिगार्डिंग द जेनरेशनल फॉलोअप दैट हैपन्स इन सच इन एवरी फैमिली फॉर दैट मैटर, कि वट एवर द पेरेंट्स आर डूइंग द चिल्ड्रेन दे ऑल्सो एंड अप डूइंग दैट, मे बी मोस्टली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज और इवन अवेयरनेस फॉर दैट मैटर. यहाँ पे स्कीम की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स नमस्ते प्रोग्राम, तो इट इज अ स्कीम टू मैकेनाइज दिस ऑल द सीवर वर्क एंड प्रिवेंट डेथ्स ड्यू टू द हजार्डस क्लीनिंग. फिर फर्दर हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट. So we can say that here, for example, the Swachh Bharat Mission, even it focused upon this aspect that we had the target to eliminate open defecation and manual scavenging by constructing modern and hygienic toilets and replacing the dry latrines with the sanitary ones to prevent the need for the manual cleaning of the human waste. Apart from this, we have again in 2014 Supreme Court verdict which clearly stated and clearly prohibited this practice, this inhumane practice of manual scavenging, and it also imposed fines on the government officials who failed to prevent manual scavenging. Then we have the solution is mechanization of the sanitation work. So we are having this National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation, as far as again when it comes to actively promoting the use of technology and mechanization in cleaning operations. And we are seeing that in case of Delhi, we are having certain machines which have replaced the manual scavengers. So we have robotic cleaners like Bandicoot is the name of the robot. So this was developed by startups. So solution oriented again, when we're talking about the entire ecosystem of startups, so they provide us solutions for the daily life challenges. So this is one thing. And then we have awareness campaigns and even education, skilling of the manual scavengers so that they have another employment opportunities, also making them aware about their legal rights. And then we need to have a proper survey and identification of the manual scavengers on the part of the Ministry of Social Justice and Empowerment. So here the role of creating district level vigilance committees becomes important, and skill development and training, for example, they can be for related to tailoring, plumbing, electric work, and other areas. Apart from this, we are also having National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem. This is also one of the schemes by Ministry of Housing and Urban Affairs. So uplifting the Safai Karmacharis by providing them with access to social security schemes, education for their children, and healthcare benefits. So legislation, rehabilitation, and mechanization.
And in this killing itself, Keaton is also mentioned here, that is semipreneurs or sanitation entrepreneurs. So this also can be mentioned. So Dhangar strike aims to point out at a technicality that has left them excluded from the society. So this is regarding getting reservation here. So this demand for Dhangar reservation is not new in Maharashtra. So 2013, maybe there was an agitation here. So the government has been positive. We expect that the chief minister will issue the government resolution. So question is whether giving reservation is it an assurance to them that it will be leading to their social welfare or not? And how much reservation are we going to give? Because already we are at 60% and we have breached the 50% ceiling set in the Indira Sahni judgment of 1994. एग्जैक्टली और इसी में ही रिजर्वेशन में जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है इट इज मोर ऑफ आउटकम बेस्ड इक्वालिटी रादर देन अपॉर्चुनिटी बेस्ड इक्वालिटी. तो अपॉर्चुनिटी बेस्ड इक्वालिटी शुड बी क्रिएटेड हियर बाय मे बी प्रोवाइडिंग देम बेटर एजुकेशन और बेटर स्टेटस सिंस द बिगिनिंग इटसेल्फ टू द चिल्ड्रेन एटसेट्रा ताकि देर इज नो नीड फॉर रिजर्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन रिगार्डिंग एजुकेशन. क्या इसकी इम्पोर्टेंस है अगेन एज वी जस्ट नाउ डिस्कस रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो इसका रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड इन दिस इटसेल्फ जो स्किल्ड एजुकेशन है वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर मच मोर प्रायोरिटी इज बीइंग गिवन एंड ओवरऑल टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो होलिस्टिक एजुकेशन इज अ लर्निंग मॉडल विच हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल एथिकल एंड लाइफ स्किल्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर टूडेज वर्ल्ड. तो हेयर द यूनेस्को डॉक्यूमेंटेड मेंशंस एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सेंसिटिविटी एस्थेटिक सेंस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया के जो करिकुलम है उसमें मॉरल एजुकेशन एज उसकी टीचिंग इट इज नॉट मेंशन एंड अपार्ट फ्रॉम दम ऑल्सो सेवरल अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंसिटिविटी या फिर इवन मोर ऑफ इंक्लूजन बेस्ड. सो ऑल दीज वर्कशॉप्स एट्सेट्रा इफ नॉट स्पेसिफिक करिकुलम तो वर्कशॉप्स एट्सेट्रा इनके ऊपर इट देर मस्ट बी अ फोकस सो एज टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड जनरेट मोर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स डायवर्सिटी. In India, we can say that we associate the intelligence of a child with the academics only. So we need a reform in this thinking so that we can again see the changes happening, whether it is again in the form of recognizing the importance of vocational education in terms of overall and in overhauling the personality development, recognizing the importance of again debate so we can have more of competitions organized on similar lines. We can have debating societies being created, like we are having. One aspect is the like UN models, debating models. These are functioning in the schools. So it needs to be promoted at a larger scale and it needs to be promoted more frequently. So that is why effective implementation of the new education policy becomes very, very important. And then when we're talking about higher education, so there we are focusing more upon how much are the skills which are we are learning through the higher education, they are in sync with the skills which are in demand in the market. एंड हियर यहाँ पर जो सजेशन आर मेंशन हियर
तो अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विद अ फाइन बैलेंस ऑफ कोर पेपर्स एंड इलेक्टिव्स, और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करना है. वी टॉक अबाउट एम्पिरिकल लर्निंग, और टीचर्स शुड बी बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स पीपल रादर देन जस्ट क्लासरूम लर्निंग. फील्ड बेस्ड लर्निंग, उसके ऊपर भी फोकस मस्ट बी देयर. फाइनली होलिस्टिक करिकुलम, इट डिमांड्स रीडिफाइनिंग ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर्स विच शुड बी डिजाइन टू टेस्ट स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल्स. और यहाँ पे गांधीज व्यू ऑन होलिस्टिक एजुकेशन आर ऑल्सो मैंशन. ही डिक्लेयर्ड कि अनलेस द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी गोज हैंड इन हैंड विथ कॉरेस्पॉन्डिंग अवेकनिंग ऑफ द सोल, द फॉर्मर अलोन वुड प्रूव टू बी अ पुअर लूप साइडेड अफेयर. फर्दर ब्रिजिंग द चार्म ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी. तो हेयर इम्बैलेंस इन द इंस्टीट्यूशंस, एजेंडा सेटिंग एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी. द फॉर्मर लुक्स एट द मीन्स एंड नॉट द एंड्स विद कंटिन्यूइंग डिबेट ऑन द मीनिंग ऑफ जस्टिस. तो ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव एंड डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशन. तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं. दीज आर द इमर्जिंग टॉपिक्स दैट आर वेरी क्रूशल, एंड डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू हैव द कैपेसिटी टू शेप द ग्लोबल एजेंडा. और सिक्योरिटी काउंसिल के जो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एंड इज कॉल फॉर कैटेगरीज एंड मेंबर्स. तो जैसे कंट्रीज लाइक जापान आर ऑल्सो प्रपोजिंग फॉर द रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, बिकॉज अगेन जो करंट स्ट्रक्चर है दैट इज मोर ऑफ ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, वर्ल्ड वॉर टू या कोल्ड वॉर एरा की जब हम बात करते हैं. बट नाउ द नीड्स एंड द पोजिशंस ऑफ द नेशंस दे हैव बीन चेंजिंग. So here यूएस this statement is given कि big lesson from this summit is that developing countries have yet to exploit the opportunities presented by the UN system. But when we reverse this statement, like UN has not been able to exploit the opportunities presented by developing countries. So I think that would be more appropriate. And hence we are talking about the UN reforms. तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करना, रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना, एंड ऑल्सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दीज आर ऑल द एरियाज दैट की एरियाज दैट वी कैन वर्क अपॉन. तो री इमर्जेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2009. तो इन 1950 द यूएस यूज 40% ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैविंग हेजेमोनिक पावर टू सेट अप मल्टीलेटरलिज्म इन अ यूनिलेटरल मैनर. तो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है ऑफ द कंट्रीज एंड हाउ सेवरल ऑफ द वेस्ट हैव नाउ बिकम डेवलप्ड, एंड इंडिया एंड चाइना दे आर इमर्जिंग एंड मेजर डेवलपिंग कंट्रीज. So again, one statement that foundation of United Nations or foundation of power will remain with the West. But when it comes to foundation for the future, that remains with the developing world. नेक्स्ट, मेक इन इंडिया. व्हाट हैज मेक इन इंडिया अचीव? तो 10 ईयर्स लेटर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हैज स्लोड टू 5.5% एंड जीडीपी शेयर रिमेन स्टैग्नेंट एट 15 to 17%, जिसका हम अभी गोल है टू मेक इट 225%. अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैज डिक्रीज्ड.
तो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वहां से यू कैन लुक एट दिस डेटा। तो शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो एग्रीकल्चर का इज ब्लू और मैन्युफैक्चरिंग का इज रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन। तो जब हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे जो टैक्सेस हैं ऑन द कॉर्पोरेट ऑल्सो, व्हेन वी टॉक अबाउट इवन इन द डायरेक्ट टैक्स, एक तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है एंड डायरेक्ट इज मच लेसर इफ यू कंसिडर इन इंडिया। फर्दर इवन डायरेक्ट में भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज ऑफ मच लेस प्रपोर्शन हियर, एंड जो इनकम टैक्स दैट इज मच हायर। तो इज इट टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्साइज ड्यूटी, तो क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो इंडिया ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना, तो ट्रेड डेफिसिट की यहाँ बात हो रही है, इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नाउ। एंड सेकेंड इज टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब्स फ्रॉम अबाउट 60 मिलियन बाय 2025। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2012 में जो थी इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो उसके सिमिलर है ये। नेक्स्ट इज इनसाइड मेहरौली पार्क, तो इट इज अ मॉन्यूमेंट श्राउडेड इन मिस्ट्री। तो जमाली कमली मॉस्क इनसाइड मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो हिस्टोरियन जानना सफीनर बुक शी राइट्स इज द मॉस्क वॉज बिलीव टू हैव बीन बिल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रेजिडेंस एंड वॉज अटैच द टॉम्ब ऑफ शेख फजुल्ला और बेटर नोन एज हिज नॉम डे प्लूम परसो इस्लामिक कल्चर।